हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और परमानेंट वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी प्राइमरी टीचर की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीलेड वाले तो भरते ही हैं प्राइमरी टीचर का फॉर्म, साथ में बीएड वालों को भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। परमानेंट वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी जो है इसमें रहती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसके 20 जुलाई 2023 से और 14 अगस्त तक ये चलेंगे। ये शॉर्ट नोटिस है, इसके बाद हम डिटेल नोटिस पर जाएंगे जिसमें आपको एज, क्वालिफिकेशन, क्या जो है सिलेबस इसका रहने वाला है, सारी बातें हम करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से सुनिए। तो देखिए, प्राइमरी लेवल की है, डेट जो है वह है 20 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक रहेगी फॉर्म की। कहाँ से स्टार्ट हुई है ये? तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे, ये जो वैकेंसी आउट हुई है, यह एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, यानी चंडीगढ़ की है। देखिए, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर वैकेंसी आउट होती थी, लेकिन अब जो है वो परमानेंट है ये, ठीक है। तो टीचिंग की तैयारी आप कर ही रहे हैं और काफ़ी जो वैकेंसी आपको हर जगह से देखने को मिल ही रही है। जितनी भी वैकेंसी आउट होंगी टीचिंग की, वो सभी मैं कवर करने के बारे में यहाँ सोचती हूँ कि हर बच्चे को जो है वो पता लगे कि कौन सी वैकेंसी जो है वो आउट हो रही है, कौन सी परमानेंट है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। जैसे भी बच्चों की जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो प्राइमरी टीचर की है, कुल जो है 293 पोस्ट हैं, परमानेंट है। जनरल की 149 है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 है और ईडब्ल्यूएस की 29 है। तो ये शॉर्ट है नोटिस। हम डिटेल नोटिस देखते हैं कि डिटेल नोटिस में जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ मांगी गई हैं और क्या आप लोग इसमें एलिजिबल हो। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए, 30 जून का ये नोटिस है, यानी कि एक दिन पहले का। ये पूरा का पूरा जो है डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट आई है, ये 30 जून की है। तो सबसे पहले जो है वो आपने देख लिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो 20 जुलाई से 14 अगस्त तक, और पोस्ट जो है 293 हैं टोटल। अगर आप जो है यहाँ पर साइट पर विजिट करना चाहें तो जा सकते हैं, www.chdeducation.government.in, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है फॉर्म फिल करते हैं। तो बिल्कुल साइट पर आपको जाना चाहिए। पे स्केल जो है वो क्या रहेगी? बहुत अच्छी खासी जो है वो पे स्केल यहाँ पर रहती है प्राइमरी टीचर की। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन और डीलेड, ठीक है। साथ में जो है यहाँ पर आपने सी टेट पेपर 1 जो है वो पास किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ही यहाँ पर एलिजिबल कर दिया है, यानी डीलेड वाले तो भरते ही हैं प्राइमरी का, बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने और बीएड कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपने सी टेट जो है वो क्लियर कर रखा हो। अब देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का आपका जो है पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो एनसीईआरटी जो है वो आप 8th क्लास तक बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, मैथ, साइंस, एसएस, तो आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। बिहार टेट का मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का बताया, ठीक है, केवी का है, DSSSB का है, सभी के सिलेबस समान है। तो ऐसा तो सोचना ही नहीं है, हम तैयारी किसकी करें, फॉर्म तो सभी आप भरें और तैयारी जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही रहती है, क्योंकि प्राइमरी टीचर की जो है वो एक ही जैसा सिलेबस रहता है, क्योंकि वही जीके रहती है, वही रीजनिंग है, वही मैथ है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है, बस एक ही चीज़ रहती है। जिस स्टेट का आप भरते हैं उस स्टेट के बारे में आपसे कुछ प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज के पूछे जाएंगे, बाकी चीज़ें सब समान हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी जो लेवल है वह 10th स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन आप मानिए 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की आप एनसीईआरटी की सारी अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जो है होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल डिफ़िकल्टी लेवल कहा गया है 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। 9th 10th जो है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है, आपको समझ में आई होगी। राजस्थान में आप 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड या रीट की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, तो आप चैनल से जुड़िए। बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के साथ में आप पढ़ा रही हूँ, और इससे बाहर जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। आप लोग बहुत लंबी रेस के लिए जो है वो तैयार रहें, जिसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। कंपटीशन जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लें, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों
तो उसके लिए आपको 100% देना ही होगा। टीचिंग लाइन से जुड़े जितने भी फॉर्म आउट होते हैं, जितनी भी वैकेंसी आउट होते हैं, सभी के फॉर्म जो है वो हर बच्चे को भरने चाहिए। तैयारी जो है वो केवल एक ही एग्ज़ाम पर करें तो सिलेक्शन जो है वो 100% होता ही है। तो ये मेरी जो है वो पर्सनल राय थी आप लोगों के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।